भिंड जिले से खबर है जहां पिछले दो दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले भी उफान पर हैं। वहीं ऐसे में पुराने जर्जर व कच्चे मकानों के गिरने का सिलसिला भी लगातार जारी है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक तेज बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने भी नदी के किनारे बसे गाँव वालों को ऊंचे स्थान पर जाने के लिए कहा है। वहीं नरोल गाँव में एक दीवार गिरने से 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। साथ ही हृदय स्थल गौरी सरोवर में लगातार बारिश के बाद बरसात का पानी आने से यहां एक ओर गौरी सरोवर लबालब दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सालिमपुर में एक कच्चा मकान गिर गया, जिससे घर गृहस्थी का सामान दबकर पूरी तरह नष्ट हो गया। जिले में लगातार बारिश होने की वजह से मौसम विभाग सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। इतना ही नहीं, कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। भिंड से प्रदीप रजावत की रिपोर्ट। क्या नाम है? जयकरण सिंह गौरी। ये क्या आप बच्चे को लेकर साथ में घूम रहे थे? जी जी, बच्चे को और महिला को लेकर आए थे। तो यहाँ पानी बहुत गिरा, अस्पताल के सामने इतना पानी भरा है कि यहाँ निकलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। हॉस्पिटल में भी अंदर पानी भरा हुआ जान पड़ रहा है। बिल्कुल लेवल उसके लेवल तक पानी है। नहीं, अंदर तक पानी आ रहा है। दूसरे गेट से आया। ठीक है, ये कब से देख रहे हो आप? ये तो अपन देख रहे हैं 1 साल से ज्यादा से। ज्यादा? जी जी। क्या नाम बताया आप? जयकरण सिंह। कहाँ से भाई? तो जी सर बताएं, आज गौरी सरोवर में बहुत बड़ी संख्या में मछलियां मरी हैं, क्या कारण रहा? कल सुबह से बारिश हो रही है और रात में ही मरी है, और अपन ने निकलने का कोई काम जारी है हमारा, और जल्दी क्लियर कर देंगे। कितने सदस्य टीम होगी जो मृत मछलियों को निकाल रही है? हाँ, हमारे पास लगभग 20 कर्मचारी हैं निकाल रहे हैं, और आवश्यकता पड़े तो और भी। लगभग कितनी मछलियाँ मरी हैं? लगभग अभी नहीं है, अभी तो क्या नाम है?